भगवान अयप्पा की मूर्ति पर सुशोभित होने वाली पवित्र सुनहरी पोशाक थंकांग की सबरीमाला पहुंची। मंदिर पहुंचने पर थंकांग के लेकर आने वाले श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें प्रयागराज के हैं, जहां माघ मेले में कन्नड़ अखाड़ा ने भूमि पूजन किया। माघ मेले में शामिल होकर किन्नर ये संदेश देना चाहते हैं कि किन्नरों का भी सनातन धर्म में अस्तित्व था और आगे भी रहेगा। सिलीगुड़ी में वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल हुआ पूरा। पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत के शुभारंभ का इंतजार है। पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। तस्वीरें त्रिपुरा के तलाई जिले की हैं। यहां शहीद दान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री माणिक साह ने भी हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। अच्छी खबर है पिंक सिटी जयपुर से, जहां नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ मिलकर नौजवानों के लिए जश्न चिल्लई कलां का आयोजन किया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खेल के साथ पेंटिंग गायन में अपनी कला प्रदर्शित किया। घाटी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। साइकिलिस्ट आशा मालवीय महिला सशक्तिकरण के लिए भारत भ्रमण पर निकली हैं। फिलहाल वो केरल पहुंची हैं। एमपी की रहने वाली आशा इस यात्रा से ये भी संदेश देना चाहती हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित। तस्वीरें एमपी के दुर्ग की हैं, जहां मैत्री बाग जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शेर बाघ समेत अन्य जानवरों के लिए पिंजरे के बाहर अलाव के व्यवस्था की गई है।